संभागीय परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने मुरादाबाद के विभिन्न चौराहों पर चेकिंग की, साथ ही जनपद स्थित प्रदूषण जांच केंद्रों की जांच की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही कोविड 19 के दृष्टिगत आवश्यक सावधानियों के अनुपालन के दिशा निर्देश दिए गए। कार्रवाई के दौरान परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा मानक से अधिक वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की चेकिंग की गई, साथ ही जनपद वासियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया एवं हेलमेट वितरित किए गए। इस मौके पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अंबुज कुमार, PTO HL वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। बेसिकली हम लोग तीसरा विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में। उसी क्रम में आज तीसरे दिन हम लोग जो मानक से अधिक उत्सर्जन कर रहे हैं, वायु प्रदूषण फैला रही हैं गाड़ियाँ, उनकी आज चेकिंग अभियान चल रहा है। हम लोग ऐसी गाड़ियों को चेक कर रहे हैं जो मानक से अधिक वायु प्रदूषण फैला रही हैं। उसी क्रम में यहाँ पर गागन तिराहे पे हमारे विभाग की टीम और ट्रैफिक विभाग की टीम खड़ी हुई है, गाड़ियों को रोका जा रहा है और ऐसी गाड़ियों की सूचनाएं इकट्ठी की जा रही हैं जो मानक से अधिक उत्सर्जन कर रहे हैं, उनका चालान किया जा रहा है। कब तक चलेगा अभियान? ये आज पूरे दिन भर का अभियान है। हम लोग कोशिश करेंगे जितनी मैक्सिमम गाड़ियाँ कवर कर पाए। यातायात पुलिस का यातायात माह चल रहा है और परिवहन विभाग की ओर से तीसरा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। मुरादाबाद के वासियों से मेरी यही अपील है कि पहली बात तो गाड़ियों के प्रपत्र पूर्ण रखें, किसी भी तरीके की कमी ना हो, वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, गाड़ियों के कागज़ कंप्लीट हो, साथ में ही यातायात नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट हेलमेट जैसी चीज़ों को जरूर धारण करें ताकि हम सड़क हादसों पर कमी ला सकें। यही मेरी जनपद वासियों से अपील है।